पुलवामा का घटना खुद करवा करके इस देश में लोगों को देशभक्ति की ओर जोड़ दिया ताकि लोग राम मंदिर 15 लाख 2 करोड़ ये सब भूल जाए। तो भाइयों, इस जुमलेबाज सरकार जो आतंकवादियों को हिंदू आतंकवादी या ऐसा कोई भी टिकट देकर हमको आपको आपस में बंटवाकर यह छलावा करके और देश को गर्त में खोद किया है। जब ये सत्ता पे नहीं आए थे तो इन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 श्री राम लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, ये सब उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और उल्टे जब देखे कि हम हारने वाले हैं तो देशभक्ति का नया नाटक पाकिस्तान के इमरान खान से मिलकर किया है, क्योंकि इमरान खान ने कुछ दिन पहले वो बोला कि अगर बीजेपी जीत के आएगी तो पाकिस्तान के हित में होगा। तो भाइयों, आप इन खतरनाक साधु संधि लोगों से बचिए और आने वाले 29 तारीख को संजय भाव पाटिल को एक नंबर बटन पे वोट देकर, घड़ियाल पे वोट देकर भारी मतों से जिताइए। जैसा कि आपको पता है, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ गेहूं भी नहीं उगती थी। हम अमेरिका से लाल गेहूं उस समय आया करता था, और जब से कांग्रेस सरकार आई देश में विकास के लिए, उन्होंने अपने अपने प्रयत्न से चंद्रयान से मंगलयान तक अपना सफर शुरू किया, कितनी मिसाइलें बनाई, राजीव गांधी ने कंप्यूटर नेट का किया, इंदिरा जी ने हरित क्रांति का किया, और नरसिंह राव जी ने दुग्ध क्रांति लाया। इन सब चीजों से देश को एक विकासशील और महासत्ता की ओर हमारी कांग्रेस सरकार ही लाई है, और गरीबों के लिए उन्होंने जो भी योजना की उसमें आपको पता ही है कि जगह जगह जो भी कारखाने कल खड़े, देश भिलाई कल कारखाना ये सब खुलवा करके उन्होंने, कांग्रेस ने प्रगति की ओर देश की ओर ले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईआईटी आईएम ऐसी कितनी अनेक संस्थाएं खुलवाई जिनसे हमें रोजगार का अवसर मिला है। छोटू भाइयों, ऐसा महाअघाड़ी और कांग्रेस की सरकार ने अपने इस नए घोषणा पत्र में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।